दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह सेक्टर 12 कोर्ट से लाइव हैं और हमारे साथ खुशबू जी हैं। इनके साथ मारपीट हुई, छेड़छाड़ हुई, कपड़े फाड़े गए और पड़ोसियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और इनके 164 के बयान भी हो गए हैं। आइए पता करते हैं इनके साथ मारपीट किसने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू है। कहाँ रहती हैं आप? मैं हरिनगर SRS के पास रहती हूँ। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ मारपीट की, मेरे घर में घुस गए 5-6 लोग और मेरे साथ मारपीट की, कपड़े फाड़े, मेरे साथ छेड़खानी की। कौन थे ये? वे था आविद, आमिर और ईशुक और सलीम, समीर, मौसम। कौन है ये, कहाँ रहते हैं? ये पड़ोस में रहने वाले लोग हैं। तो इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत तरह से, क्या घर में घुस गए थे आप? मेरे घर में अंदर घुस के मुझे मारा पीटा, छेड़खानी मेरे साथ, मेरे कपड़े तक के फाड़ दिए। कब की बात है ये? ये है 19 तारीख की, 19 जुलाई को। हाँ, 19 जुलाई सात को। हाँ, सातों महीना। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया? मुकदमा दर्ज किया मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी पकड़े नहीं उसको? सुनवाई नहीं हो रही है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा, कौन से थाने मुकदमा दर्ज है? खेड़ी पुल। अच्छा अच्छा, वकील साहब मुकदमे की कोई डिटेल है आपके पास? डिटेल है जी, दिखाइए, बताइए थोड़ा सा, मुकदमा नंबर भी बता देते हैं। आज क्या हुआ? आज 164 के बयान हो गया है इनके। पहले 354 बीने लग रही थी, अब 354 बी भी ऐड हो गई है। SS टैक्स लगा हुआ है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है प्रशासन से कि SS टैक्स लगा हुआ है, 354 बी लग गई है, इतना ग्रीवेंस डिफेंस होने के बाद भी। गालियां वाली हैं आपको दी? गालियां बहुत गंदी दी थी, जिससे कि बहुत ज्यादा चमहाड़ चुगड़े सब तरह से उन्होंने बोला, मारा पीटा, बहुत गंदी गाली दी, जिसे कि बता भी नहीं सकती मैं। आइए दिखाते हैं थोड़ा सा FIR आपको, थोड़ा सा दीजिए भाई साहब, FIR की डिटेल दे देते हैं। देखिए, पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं की, तो लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं। मुकदमा नंबर है 330 और खेड़ी थाने में मुकदमा दर्ज है, खेड़ी पुल थाने में। और जो सेक्शन लगाए हैं 148, 149, 323, 452, 506 और SC ST एक्ट लगा है 3। ये मुकदमा 354 भी ऐड किया जा रहा है, क्योंकि घर में घुसे थे और महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था। तो 19 को क्या क्या हुआ था थोड़ा सा बताइए। आप कह रहे हैं छेड़छाड़ हुआ, कपड़े फाड़े गए, तो क्या सच में ऐसा हुआ था? हाँ जी, सच में ऐसा हुआ, मेरे घर में घुस के। बाकी पड़ोसियों से भी पूछ सकते हैं, सबे पता है, कानूनी कार्रवाई भी करवा रहे हैं मगर उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उस दिन की कोई फोटो वगैरह दिखा रहे थे? सब है, फोटो है, वीडियो है, सब भी दिखा देते हैं। देखिए, अभी तो 8-9 दिन पहले की वारदात है, अभी ये ठीक लग रही है, क्योंकि मेडिकल लिया होगा आपने? हाँ, मेडिकल किया, 5 लोगों का हुआ है, 5 को चोट आई है। दिखाते हैं, इनके पास वीडियो भी है जिस दिन वारदात हुई थी, जिस तरह की इनकी हालत थी। अच्छा, आपके घर में और कौन था उस दिन? उस टाइम पे मैं, मेरे पति और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आप भी थे भाई साहब? नहीं सर, मैं नहीं था। पति कहाँ है आपके? आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। क्या हुआ था उस दिन? ये लड़ाई जो शुरू होती थी वहाँ, तो कच्ची कॉलोनी है वो, तो उसमें से थोड़ा बहुत पानी निकलता है रस्ते में, तो वो हमेशा मिट्टी डाल देते हैं, कहते हैं हमारे घर के सामने से पानी नहीं निकलना चाहिए। तो अक्सर कई बार वहाँ पे इतना पानी भर गया है, हमारे पड़ोस में भी घर में घुस जाता है, वो वीडियो में आपको दिखा दूंगा है। तो हम उनसे कहते हैं कई बार हमारे घर के सामने पानी भर रहा है गंदा और निकलने वालों को दिक्कत हो रही है, वो ये कहते हैं हमारे घर के सामने पानी निकलना चाहिए, चाहे तुम्हारे घर का वहाँ भरा रहे। तो ये पहले कई बार हो चुका है ऐसा, ये इसी टाइप के लोग हैं वहाँ, कई बार औरों से लड़ते रहते हैं, तो लोग लड़ाई करना नहीं चाहते, लोग बैठ जाते हैं। लोग हैं, क्या नाम है? ये इनका नाम है, इनके पापा का नाम है यूसुफ, उनके बेटे हैं आमिर है और आविद है, और इनके साथ में ही है पड़ोसी, मतलब दुकान है परचून का, मौसम है, सलीम है, समीर है, ये दोनों ही ऐसे हैं, जब वहाँ झगड़ा होता है तो ये पहुँच जाते हैं, जब इनके यहाँ झगड़ा होता है तो वो आ जाते हैं। यूनिटी है? हाँ, यूनिटी है इनकी, ये ऑटो चलाते हैं और ऑटो चलाने वाले को किसी ने नहीं बचाया उस दिन? पड़ोसियों ने, 2-3 पड़ोसी बचाने आए तो उनको भी पीटा, उनके भी चोट आई है, उनको भी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया, ये थे उन साथ में, तो इनके भी चोट आई थी। अच्छा, आपको भी चोट आई भाई साहब, पड़ोसी हैं? हाँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम चंद्रभान भारती। आपको कहाँ चोट आई उस दिन? मेरे सर में। अच्छा, मेडिकल आपने कराया सर? हाँ जी, मेडिकल कराया। अच्छा, क्या देखा था, क्या हुआ था? मैं, ऐसा हुआ था, ये 9:30 बजे की बात थी, जब मैं काम पे से आया तो मैं उसकी दुकान पे से बीड़ी ले रहा था। किसकी दुकान? जावेद की, उसका बड़ा लड़का जावेद है। मैं इस सुबह आया, गाली देता हुआ, वो बोला बहन की लोड़न की ऐश कर दूंगा, अन्यों कर दूंगा, मतलब बहुत गाली दी और जाति चूसक शब्द कहे कि डेढ़न ने ऐसा कर रखा है, बहन चौदह ने हमारे सामने पानी छोड़ रखा है, ठीक है ना। तो मैं आया तो मैं सुन के चला गया, मैं इस बात में कुछ नहीं रखा, तू भी बूढ़ा हो रहा है, हम भी बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है ना, हम भी नाती पोते इनके, तुम भी नाती पोते इनके,
तो उसने ये बात नहीं मानी, मैं अपने घर चला गया। इनके घर मैंने नजर आके देखा तो ये नहीं आए थे जब तक, मैं घर चला गया। बच्चे ने मेरे को रोटी दे दी, उसके बाद में मेरी लड़की, मैं रोटी खा लें, लड़की बोली पापा, वो सोने ऊपर छत पे जाती है, उसने कहा पापा पल्लियाओं को ओम प्रकाश अंकल की तरफ लड़ाई हो रही है। मैं आया तो मैं गली में चर्चा सुन रहा कि ओम प्रकाश घरवाली को पीट गए। तो जैसे ही जा रहा हूँ तो ये पड़ी थी वहाँ पे और इनको पिटाने लग रहे थे। इनको देखा पीटते हुए? मैंने पीटते हुए देखा। अच्छा। और मेरे को एकदम क्या नाम है बड़े बड़े का ये नहीं नहीं वो मौसम ने मेरे को पकड़ लिया और उसके जाबी क्या नाम है उसके बड़े छोटे लड़के ने मेरे, सलीम समीर नहीं, नहीं, आमिर ने मेरे को डंडा मारा। अच्छा। हाँ मेरे को भी मारा और उनको भी मारा और हमने लोगों से खूब कही भाई ये मर जाएगी इसको उठा के ले चलो। तो दो थी या इनकी भतीजे बहू थी उनके भी चोटें आई हैं, ये देखा था मैंने। क्या नाम है उनका जिनको चोट आई? काजोल। अच्छा काजोल। हाँ। अच्छा। तो पुलिस से क्या मांगे आपकी? पुलिस से यही मांगे कि ठीक से कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। वो खुले डोल रहे हैं और हमें आते जाते भी परेशान करते हैं, टन कसते हैं वो कि तुम पे चम्हारो कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते हमारा। अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखना क्या होता है। चलो जाति सूचक शब्द नहीं कहने चाहिए, इस तरह तंज नहीं कसना चाहिए और इस तरह कानून का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए पुलिस जो है इस मामले में कार्रवाई कर रही है और पुलिस जल्द ही कोई अपडेट देगी कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट में बयान भी इनके हो गए हैं और ACP साहब से भी आप लोग मिलने जा रहे हैं, सामने उनसे भी मिलेंगे आप, कार्रवाई भी करेंगे, उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। चलो अच्छी बात है, देखिए किसी गरीब को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और इस तरह किसी महिला के घर में घुसकर हमला नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ और कपड़े फाड़ने की वारदात नहीं होनी चाहिए। जो भी गलत काम किया होगा पुलिस उसको जरूर उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई करेगी, उसी के अकॉर्डिंग उनको सजा दिलाई जाएगी। लगाने की वजह से देखो पड़ोस में कितना पानी भर जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखा दो भाई कैमरामैन, ये मिट्टी का मलबा डाल देते हैं आगे। मलबा डाल देते हैं तो देखना अभी पड़ोस में कितना पानी भर जाता है। अच्छा देखो घर में पानी, यह हरिनगर जो भारत कॉलोनी वाला है। ये देखो घर में अंदर पानी जा हुआ है, ये अंदर घर का पानी है, बिस्तर बर्तन सब ऐसे तैर गए हैं। चलो ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।